तो कैसे हैं आप लोग? अरे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अरे अरे कैरी भाई की एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, फुल रिस्पेक्ट करता हूँ मैं कैरी भाई की। तो चलो गाइस अपना इंट्रो बोलते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष ट्रैवल जोन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक पेन से कटर बनाने वाले हैं। मुझको पता है कि भाई काम आता है तभी बना रहा हूं मैं, वरना यार मेरे पास भी खाली टाइम नहीं है। तो यार मैंने जरूरत समझी कि पड़ती है भाई जरूरत, आपके लिए मैं बना देता हूँ लो कॉस्ट में। और हाँ गाइस, आप कह रहे होंगे कि भाई इतने दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी, कहाँ था? अबे भाई तुम चैनल खोल के देखो, 4 दिन पहले ही वीडियो डाली है। हाँ भाई 4 दिन पहले तुम वीडियोस नहीं देखते हो फिर यार ऐसे नहीं चलेगा यार। तो चलो गाइस बाद में डिस्कस करेंगे ये, और चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज हम यहाँ पर कटर बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ मैं पेन का। आप कोई भी यार पेन ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि यार यही सेम पेन हो। और बस आपको एक चीज ख्याल रखनी है, उसकी बॉडी के अंदर इंक नहीं डली होनी चाहिए, रिफिल वाला पेन लेना है जिसकी रिफिल इजीली बाहर निकल जाए। ठीक है गाइस, बाकी ये फोकस हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए गाइस, और अब गाइस हमको क्या करना है, इसकी टिप के ऊपर से हमको उसको कट करना है। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास कुछ टूल्स है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ भाई काट देगा। तो सबसे पहले गाइस चाकू से पूछते हैं। नहीं भैया मैं तो मर जाऊंगा, मैं नहीं काट पाऊंगा। भाई ये तो मना कर रहा है काटने से, और से पूछते हैं काट देगा? अरे काटने की काहे बात करते हो भैया, हम तो फाड़ देंगे। अरे भाई फाड़ना नहीं है काटना है, इससे पूछते हैं। भाई तुम काट दोगे? अरे क्यों नहीं काटेंगे भैया, यही तो हमारा काम है। कैसी बात करते हो हर्ष भैया। तो भाई ये काटने के लिए रेडी हो गया है, तो फटाफट से गाइस हम इसको कट कर लेते हैं मजाक से हटके। ठीक है, वो मेरी आवाज थी सारी, मैंने एडिटिंग के अंदर कर दी थी चेंज आवाज। तो ठीक है गाइस, अब फटाफट से गाइस इसको काट लेते हैं कुछ इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए गाइस मैंने इसको कट कर लिया, लेकिन गाइस अभी ये थोड़ा उबड़ खाबड़ है। तो अभी गाइस यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं यूज करूंगा रेगमार का, जो सैंड पेपर होता है उसको हम ले लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। और ठीक है हम इसको घिस लेते हैं अच्छी तरीके से। और यार आई होप आपने अभी तक यार वीडियो को लाइक कर दिया होगा। क्यों नहीं? मुझे पता था भाई नहीं करा होगा, तभी मैंने मीम लगाई है। यार ये गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है, ऐसे नहीं चलेगा, मीम लगानी पड़ेगी वापसी। करो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जब तक मीम का मजा लो। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है भाई अब तो बोल दिया ऐसे नहीं चलेगा सर ने भी। तो गाइस मैं ऐसी फनी वीडियो के साथ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप यार एक रेड कलर का बटन है उसको दबा दो यार। गाइस अभी हम वहां पर यूज कर रहे हैं जो जिलेट का ब्लेड आता है उसका, अगर आपके पास वो नहीं है तो गाइस शार्पनर का भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार कमेंट बॉक्स मत खोलो, मेरे को पता है यार नहीं मिलता आपको, तो भाई ये शॉर्पनर होता है 2-3 रुपए का मिल जाता है, आप इसका यूज कर सकते हो। तो अब गाइस हमको क्या करना है, इसको चिपका देना है सुपर ग्लू से। ये ब्लेड जो गाइस 2 रुपए का मिल जाता है मार्केट में इजीली, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप शॉर्पनर के ब्लेड का यूज कर सकते हो, वही वर्क करेगा, उससे अच्छा वर्क करेगा। लेकिन गाइस ये थोड़ा शार्प होता है इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं, और ये इजीली कट भी हो जाता है। तो ठीक है गाइस इसलिए मैं इसका यूज कर रहा हूं। और अब गाइस हमको क्या करना है, इसको हमको चिपका देना है सुपर ग्लू से। तो यहां पर गाइस मैं सुपर ग्लू को ले लेता हूं और इसको चिपका देता हूं। पहले यार वो थोड़ी निकल नहीं रही थी तो मैं उसको ठीक करने के लिए गया था। तो देखिए गाइस अभी मैंने इसको चिपका दिया है सुपर ग्लू से। अब हमको दूसरा है जो ब्लेड वो इसके ऊपर रख देना है, एक सैंडविच टाइप बना देना है, देखिए कुछ इस तरीके से। अरे भाई यार ये तो साइड में गिर गया भाई, कसम से यार पूरी टेबल खराब हो गई, बहुत पिटूंगा, अभी तो गीला है भाई, इसको साफ कर देता हूँ वरना यार बहुत पिटूंगा ऐसे। भाई देख लिया ना, ऐसे ही पिटूंगा मैं वरना इसको साफ कर देता हूँ फटाफट, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस मैंने टेबल को भी साफ कर दिया है और ये ब्लेड भी सूख गया है। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पर सीजर्स का यूज कर रहा हूँ कट करने के लिए। और अभी तक तो यार तुमने कर ही दिया होगा ना चैनल सब्सक्राइब, यार थैंक यू यार तुमने कर दिया यार, मजा आ गया भाई। और नहीं करा तो भाई उनको थैंक यू नहीं, अभी जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करो ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने ब्लेड को यहाँ पर कट कर लिया है।
अब गाइस मैं पेन के अंदर भी एक कट लगा रहा हूँ जिससे जो हमारा ब्लेड है वो इसके अंदर इजीली फिक्स हो जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमको इसको फिक्स करने के लिए। तो देखिए गाइस अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, जो पेन की बॉडी थी मैंने उसके अंदर कट लगा लिया है और अभी गाइस जो ये ब्लेड है वो इजीली फिट हो जाएगा। आप जैसे तय उसको कर सकते हो फिट, जैसे आपको मन करे आपको अच्छा लगे वैसे इसको आप फिट कर सकते हो। तो अभी गाइस मैं बिल्कुल इसको सीधा फिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा हिल रहा है ये, तो मेरे को लगता है कि इसको हमको थोड़ा सा और कट करना होगा। तो वापसी में जो हमारी आरी मान गई थी भाई काटने के लिए उसको ले लेते हैं और काट देते हैं इसको। अब गाइज ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है और अब गाइज मैं आपको इसको फिट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज ये बड़ी इजीली इसके अंदर और बड़ी ही मजबूती से फिट हो गया है। अब गाइज हम क्या करेंगे इसको थोड़ा और सिक्योर करने के लिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे सुपर ग्लू एल्फी फेविक्विक बोलते हैं इसको, वो डाल दूंगा मैं जिससे बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। इसके अलावा आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो और सबसे बेस्ट रहेगी एम सील, वो बिल्कुल इसको पत्थर बना देगी और चिपका के रखेगी जिससे ये पूरा बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। मैं बस ताकि यार प्रोडक्ट की फिनिशिंग अच्छी है इसीलिए सुपर ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। जो एम सील होती है वो थोड़ा मैस हो जाता है यार, मतलब दिक्कत हो जाती है उसके अंदर। तो ठीक है गाइस अभी जो हमारा ब्लेड है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है और यार थोड़ी डॉक्टर वाली फील आ रही है भाई इसको, यार मेरा देख सकते ना पूरे हाथ वाथ कांप रहे हैं, बिल्कुल ऐसी फील आ रही है भाई जैसे डॉक्टर एकदम होते नहीं भाई डॉक्टर के पास होता है जो नाइफ सर्जिकल नाइफ बोलते हैं, ठीक है वैसी वाली फीलिंग आ रही है। तो अब गाइस मैं आपको इसको टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ, कार्डबोर्ड में आपको काट के दिखाता हूँ। तो ठीक है गाइस मैं आपको टेस्टिंग के वक्त इसको मिलते हैं हम। तो देखिए गाइस यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड ले लिया है, ठीक है आप कोई भी ले सकते हो, मैं आपको सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए दिखा रहा हूँ। और भाई पहले कह रहा हूँ स्पॉन्सर नहीं किया है अमेज़ॉन ने मेरे को, वैसे ही पड़ा था ये साइड में कुछ सामान मंगाया था मैंने, तो मैं आपको उसको काट के दिखा देता हूँ वेस्ट है। तो देखिए गाइस बिल्कुल अच्छी तरीके से ये कट लग रहा है, मैं आपको थोड़ा साइड से काट के दिखा देता हूँ। ये देखिए पाइप वाला साइड है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल ईजी चला रहा हूँ मैं, हल्का सा वेट डाल रहा हूँ और देखिए भाई बिल्कुल शार्प तरीके से कट रहा है, आर पार कट गया लगभग। थोड़ा सा वजन डालने में, ज़्यादा वजन नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि नीचे भाई टेबल है वो ख़राब हो जाएगी। हल्का सा ही मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए गाइस इसको काट के, ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा जो ब्लेड है वो वर्क कर रहा है। ये देखिए बिल्कुल पाइपिंग बिल्कुल एक नंबर की आई है, ये देखो आप। अब गाइस मैं आपको यार सुपर ग्लू भी काट के दिखा देता हूँ, थोड़ी ऊपर से प्लास्टिक भी काट के दिखा देता हूँ जिससे आप श्योर हो जाओ कि बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। तो गाइस अभी मैं थोड़ा सा इसके अंदर प्रेशर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर थंब का यूज़ कर रहा हूँ प्रेशर देने के लिए। ये देखिए बिल्कुल ईजिली ख़त्म कट गया, यहाँ पर एक वायर है मैं उसको भी दिखा देता हूँ काट के आपको, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आइए हो तो यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय और कमेंट करके बताओ अगली वीडियो किस पे चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।